सेनेट की कायमा कमेटी का मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने पर सख्त नोटिस। अराकीन कमेटी का इंटरनेट सर्विसेज के मुतासिर होने पर शदीद तहफ़ुज़ात का इजहार। सेनेटर अफनानुल्ला बोले, बहुत से ई कॉमर्स के फॉरम्स छोड़कर जा रहे हैं। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे अरशाद अंसारी हमारे साथ हैं। जी अरशाद बताइए। जी देखें, सेंटर पलवशा की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यह इजलास हुआ है, जिसमें जो है मुल्क में इंटरनेट की सिचुएशन पे जो है वो तफसीली जायजा लिया गया है। कायमा कमेटी ने जो है वो मुल्क भर में जो इंटरनेट सर्विस मुतासर हुई है उसकी तफसीलात जो है वो दो हफ्ते में तलब किए हैं। तहम इजलास में जो सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है आयशा उमेरा, उन्होंने बताया कि मोबाइल ऑपरेटर्स की सर्विस में मसला है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ये ज्यादा तवील नहीं होगा और इंटरनेट जो है की सर्विस जल्द जो है वो बहाल कर दी जाएगी। सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि जो हुकूमती रुकने कमेटी थे सेंटर अफनानुल्ला, उन्होंने जो है वो शदीद तफजात का इजहार किया। उन्होंने कहा इससे सबसे ज्यादा फ्रीलांसर मुतासर हो रहे हैं और इस वक्त तक $500 मिलियन का जो है वो उनका नुकसान हो चुका है। इजलास में जो है ये सवाल उठाया गया अरकिन की तरफ से कि इंटरनेट सर्विस सुस्त रवि का शिकार है तो क्यों है, जिस पर हुकूमती और अपोजिशन अरकिन दोनों जो है बयक वक्त जो है वो इस मामले पे जो है वो हुकूमत पर जो है वो बरस पड़े और फट पड़े, और जो रुकने असम्बली सेंटर अफनानुल्ला थे और इस तरह हमायूं मेहमत थे और दूसरे जो अरकिन थे उन्होंने जो है वो शदीद एहतजाज किया, और जो उस कमेटी में अरकिन थे उन्होंने आईटी के जो जो सेक्टरी थी और दूसरे जो हुकाम थे उनसे जो है इस हवाले से बहुत से जो है वो सख्त सवाल किए और उनको जो है सारा इस बात का मुरद इल्जाम ठहराया, जिसके जवाब में आयशा उमेरा ने जो है वो ब्रीफिंग देते हुए फिर ये मौका इख्तियार किया कि ये जो मसला है असल में जो सर्विस कंपनीज हैं मोबाइल ऑपरेटर उनकी तरफ से जो है वो मसला आ रहा है, जिसकी वजह से जो है वो इंटरनेट की सर्विस में खलल आ रहा है और कोशिश की जा रही है कि इसको जल्द से जल्द दूर कर दिया जाए और तवक्को ये की जा रही है कि जल्द जो है ये इंटरनेट की सर्विस जो है वो बहाल हो जाएगी। और फिर उन्होंने ये कहा कि हमें जो है ऑपरेटर से जो डेटा मिलेगा वही हम जो है वो कमेटी में पेश करेंगे, क्योंकि कमेटी ने इनसे डिटेल जो है वो तफसीलात जो है वो तलब की हैं। और जो हुकूमती अरकान थे उनमें से जो है वो सेंटर अफनानुल्ला ज्यादा जो है वो सख्त जो है वो उनका लहजा था और उन्होंने कहा था कि इस सर्विस के मुतासर होने से फ्रीलांसर का $500 मिलियन का जो है वो नुकसान हो चुका है। इंटरनेट सर्विस बंद करके ये नहीं कहा जा सकता कि जो है वो मुल्क में सिक्योरिटी हो गई है। सिक्योरिटी के लिए जो है वो जो सरकार रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक जो है इकदाम करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ कमेटी ने जो है वो इंटरनेट के साथ साथ जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनमें जो है वो इसी तरह जो व्हाट्सएप पे डाउनलोडिंग का जो मसला आ रहा है उस पर भी जो है वो सवाल उठाया, उस पर भी उनसे जो है वो जवाब तलब किया है। और सेंटर मेहमत का ये कहना था कि इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स को सोने से बिजनेस को असर हो रहा है और उनका ये, जबकि वजारत की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि ये मोबाइल ऑपरेटर्स की तरफ से जो है वो सर्विस में खलल है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और उससे फिर सेनेटर पलवेशा ने कहा कि इश्तहार आप मोबाइल फोन ऑपरेटर्स से जो है वो इसकी पूरी रिपोर्ट लें और उसकी हमें डिटेल बताएं। उससे उन्होंने कहा कि हम इसकी डिटेल लेके आपको जमा करवा देंगे। और सेनेटर पलवेशा खान का ही कहना था कि 20 शहरों के सर्वे पर जो है वो आइंदा इजलास में जो है वो ब्रीफिंग जो है वो दी जाए। ये आईटी हुकाम को ये कहा गया था क्योंकि उनका ये कहना था कि हमने टेलीफोन जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं उनसे जो है सर्वे के हवाले से भी जो है वो डेटा तलब किया, रिपोर्ट्स की हैं। तो उससे उन्होंने कहा था कि आप कमेटी के अगले इजलास में जो है ये रिपोर्ट पेश करें और सर्वे की रिपोर्ट्स भी जो है वो पेश करें। पीटीए हुकाम का ये कहना था कि बलूचिस्तान में 10 से 12 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग है, जिला कश्मीर में नेटवर्क के मसाइल पर 1 हफ्ता का वक्त दे दें तो हम मुकम्मल जो है वो तफसीलात फराहम कर देंगे। जी अरशाद अंसारी आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया।